हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लगातार डीआरडीओ के स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, और मेरा जो मेन फोकस है वो कोपा ट्रेड पर है। बाकी जो अदर ट्रेड के कैंडिडेट हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं जो है वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो कोपा ट्रेड के लिए जो है अब तक मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहला जो हमारा वीडियो था कि आपके स्किल टेस्ट कितने नंबर के होंगे और कितने घंटे होगा, सारी चीज़ों को जो है हमने आपको बताया था। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि कहाँ वो वीडियो मिलेगा, ठीक है। बाकी हमने जो पहला जो वीडियो करवाया था उसमें बताया था कि संपूर्ण सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से आपको आपके ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो हमारा वीडियो था वो था कि सुरक्षा किट से जो है कोपा ट्रेड में कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपके डीआरडीओ के सेक्टर 10 का जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है उसमें आपके ट्रेड टेस्ट में सुरक्षा किट से जो है कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर जो है हमने आपको सुरक्षा किट से संबंधित जो है ये कंप्लीट क्लास करवाया था, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा जो हमारा वीडियो था वो कंप्यूटर के कंपोनेंट थे, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हमारा जो सीपीयू होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, बैक पैनल हो, फ्रंट पैनल हो, सभी चीज़ों को जो है हमने इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से आपको समझाया है। तो आप लोग जो है प्रीवियस क्लास को भी देख लेंगे, तभी जो है आज के जो मेरा जो क्लास होगा वो होने वाला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। विंडोज के फाइल, फोल्डर, सेटिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे जो कि आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित रहेगा, और आपके ट्रेड टेस्ट में वहां से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैं बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे संबंधित दोस्तों आप देख सकते हैं जो आज हम चर्चा करेंगे वो मैं कई सारे टॉपिकों पर जो है चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा रहेगा वो है कि विंडोज 10 के डेस्कटॉप में फाइल एवं फोल्डर जो है ड्राइवेज को पहचानना, ठीक है, और विंडोज 10 की सेटिंग की उपयोगिताओं को पहचानना, कोर्टाना के उपयोग को जो है पहचानना, ठीक है, एप्लीकेशन की सेटिंग करना है, उसे डेस्कटॉप पर पिन करना, टास्क बार पे पिन करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम आज चर्चा करेंगे। बाकी और भी टॉपिक है नीचे जो कि मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, बस आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग जो है खुशी खुशी के साथ जो है मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग को जो है कुछ ना कुछ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते हैं पहला जो हमारा है, अभी हमने आपको बताया कि फाइल एंड फोल्डर को पहचानेंगे, विंडोज 10 की सेटिंग की उपयोगिताओं को पहचानेंगे, कोर्टाना के उपयोग को जानेंगे, एप्लीकेशन की सेटिंग करना है, उसके डेस्कटॉप पर पिन करना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप लोग को जो है वहाँ पर मिल सकता है कि देखिए कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉर्मली आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे आपको इंटरव्यूअर वहाँ पर जो है पूछ सकता है कि फाइल फोल्डर के में अंतर क्या होता है, किस तरीके से वो देखते हैं, सेटिंग वगैरह के बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बहुत डीप नहीं, लेकिन जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्द जल्द यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे कि विंडोज 10 डेस्कटॉप की फाइल एंड फोल्डर ड्राइवेज को पहचानना। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा डेस्कटॉप है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दिस पीसी का एक आइकन दिख रहा है। यदि आप विंडोज 10 यूज करते होंगे तो वहाँ पर माई पीसी या फिर दिस पीसी का ही ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। बाकी हालांकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइल, ये जो है पीला वाला जो आप देख रहे हैं ये फोल्डर होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे आइकन बोलते हैं, ठीक है, और इस पूरे विंडो के डिस्प्ले को बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और दिस पीसी पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है, और यहाँ पर इसे हम फुल कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं किसी ड्राइव में आ जाता हूँ, अपने दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अपने डी ड्राइव में आ जाता हूँ, और डी ड्राइव में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फोल्डर के नाम नीचे लिखा हुआ है और फोल्डर का आइकन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान लेते हैं इस वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने एक फोल्डर बना रखा है डाउनलोड के नाम से। तो यहाँ पर डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये तो फोल्डर है, और उसके बाद यहाँ पर इसे बोला जाता है फाइल, कौन सी फाइल है, ये जेपीजी फाइल है। कैसे पहचानते हैं कि वो किस तरीके का फाइल है, तो लास्ट में आप लोग देखेंगे कि डॉट एक लगा होता है, डॉट के बाद जिस तरीके का भी फाइल रहता है वहाँ पर उसका नाम लिखा रहता है।
तो यहाँ पर डॉट के बाद लिखा हुआ है जेपीजी फाइल, तो इसे बोलेंगे कि जेपीजी फाइल है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल है, तो लास्ट में लिखा हुआ है डॉट पीडीएफ, यानी कि ये जो फाइल है ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, बाकी पीले वाले को हमने आपको बता दिया कि इसे बोलते हैं फोल्डर। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में एक बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने दिस पीसी पे क्लिक किया, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमने पीसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, उसके बाद रियलमी 8 डाटा पे क्लिक किया, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फोल्डर का पाथ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद उसे हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि आप जो है जिस फोल्डर में आप हैं उसका पाथ लिखिए, तो आपको पाथ कहाँ से मिलेगा, आपको सबसे ऊपर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसका पाथ यहाँ पर। ठीक है, और यदि आप जो है मान लेते हैं किसी ड्राइव में सर्च करना चाहते हैं किसी फाइल फोल्डर नेम को, तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है पार्टिकुलर ड्राइव पे क्लिक करके या फिर सभी ड्राइवों में, यदि आपको नहीं पता कि किस ड्राइव में मेरा वो फाइल फोल्डर है, तो आपको यदि उसे सर्च करना है, मान लेते हैं कि विनोद के नाम से मैंने कोई फोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे यहाँ पे विनोद लिख देंगे और हमें आप जो है सर्च कर देना है। यदि आपको पता है कि किस ड्राइव में है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, या फिर जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव रहेगा, यदि आपको पता है कि उस ड्राइव में वो फोल्डर फाइल है, तो वहाँ पर जा करके भी आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें नहीं पता है कि किस ड्राइव में विनोद नाम का फोल्डर है या फिर फाइल है, यहाँ पर आप फोल्डर या फाइल किसी को भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, MP3 हो, PDF हो, किसी भी प्रकार की फाइल को आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे जो है नाम फिल करके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर्च करने की। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह भी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी मोर का एक थ्री डॉट का आइकन मिल रहा है, इसे बोला जाता है मेन्यू। ठीक है, तो मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, फॉर्मेट का ऑप्शन, ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइज का ऑप्शन, ठीक है, और क्लीन अप का ऑप्शन। यदि किसी भी ड्राइव को आप क्लीन, ऑप्टिमाइज, फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे, देन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है उसे फॉर्मेट वगैरह या फिर ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आप सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं पार्टिकुलर ड्राइव में, तो यहाँ पर जो है आप इस मेन्यू पे क्लिक करके, हमने बता दिया आप कौन कौन सी सेटिंग जो है आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर जो आप ड्राइव देख रहे हैं इसके आइकन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लार्ज कर देता हूँ तो ये लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर से व्यू पे क्लिक करके स्मॉल करता हूँ तो स्मॉल हो जाएगा। जिस तरीके से भी आप इसके व्यू वगैरह को चेंज करना चाहते हैं आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल पे था तो मैंने इसे टाइटल फिर से कर दिया है। बाकी आप चाहते हैं कि फाइल फोल्डर बनाना, तो इसे आप लोग जानते होंगे, फाइल फोल्डर बनाने के लिए आप तो किसी भी फ्री स्पेस में आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, तो यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने और न्यू पे क्लिक करके आप किसी भी प्रकार का फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा का फाइल बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस तरीके का भी आप फाइल बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका वो फाइल या फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फोल्डर बनाकर दिखा देता हूँ, हमने फोल्डर पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है फोल्डर का नाम पहुंच रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने जेके दे दिया नाम, तो इस तरीके से हमारा ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि आप अपने विंडोज में फोल्डर बनाने के तरीकों को बताइए, तो आपको फोल्डर बनाने के लिए आपको किसी ड्राइव में आना होगा या फिर आप डेस्कटॉप पे बनाना है आपको फोल्डर, तो डेस्कटॉप पे भी आप राइट क्लिक करके वहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मेरा डेस्कटॉप है तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है हमें फाइल या फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको फाइल या फोल्डर बनाने का जो है तरीका बता दिया है। ठीक है, यदि आपको कॉपी या पेस्ट करने का तरीका नहीं पता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, बाकी जिन लोगों को पता है थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ मैं पिक्चर पे आता हूँ और किसी पिक्चर वगैरह को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर सेव पिक्चर है या फिर यहाँ नहीं है, कहीं से भी एक पिक्चर को यहाँ से मान लेते हैं, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये विंडोज 11 है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे या फिर इस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से जो है हमें सोमवार का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर जो है सोमवार पे क्लिक करके कट, कॉपी, पेस्ट जो भी करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम कॉपी करना चाहते हैं तो हमने कॉपी कर लिया और हमने दिस पीसी में आ करके हमने कहाँ फोल्डर बनाया था, डी ड्राइव में बनाया था जेके नाम से, ये देख सकते हैं आप जेके नाम से ये हमने फोल्डर बनाया था। बाय डिफॉल्ट ये जो है हमने नाम वाइज सेट कर रखा है, तो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर के नाम से ही नाम इस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के नाम से आने पर यानी कि ए टू जेड नाम आ रहा है, पहले ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे जो हमने कॉपी किया है
और उसके बाद फिर से इसमें राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद शो मोर ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है हम उसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है फोल्डर बना करके उसमें फाइल या फोल्डर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइकन आपको दिख रहा है बड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसे आप यदि सेटिंग करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसे स्मॉल आइकन में, लिस्ट आइकन में, जिस तरीके से भी आप शो कराना चाहते हैं आप शो करा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, छोटा बड़ा जो भी हिसाब से। तो आई होप कि आप फाइल फोल्डर के बारे में समझ गए होंगे, बाकी फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो फाइल फोल्डर से संबंधित आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज 10 सेटिंग की उपयोगिताओं को पहचानना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग को आपको कैसे पहचानना है या फिर थोड़े बहुत सेटिंग को आपको कैसे करना है या फिर कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ये विंडोज का आइकन आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। विंडोज 10 रहेगा तो आपको कोने पर मिल जाएगा स्टार्ट मेन्यू, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही सेटिंग पे क्लिक किया आपको सिस्टम का ऑप्शन मिला, यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस का ऑप्शन मिला, नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिला, पर्सनलाइज का ऑप्शन मिला, ऐप्स का ऑप्शन मिला, अकाउंट का ऑप्शन मिला, टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विंडोज की बेसिक सेटिंग को सेटिंग पे आकर के सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज को सेटिंग करना हुआ, ठीक है, या फिर विंडोज को अपडेट करना हुआ तो अपडेट पे क्लिक करके यहाँ से अपडेट वगैरह आप जो है चेक कर सकते हैं। यदि कोई अपडेट आया रहेगा तो चेक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट आया रहेगा तो आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने सिस्टम को अपडेट भी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि विंडोज के बेसिक सेटिंग को यदि आप करना चाहते हैं, उसके लैंग्वेज को, उसके प्रोफाइल को, ठीक है, या फिर आप अपने विंडोज के वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं, नेटवर्क के कनेक्टिविटी को चेंज करना चाहते हैं, ब्लूटूथ का कोई डिवाइस है आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कंप्यूटर के बेसिक सेटिंग वगैरह को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सेटिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ। पर्सनलाइज का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि आप अपने विंडोज के जो मतलब पीसी है उसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज करके अपने जो है बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आई होप कि इतना तो आप लोग जानते होंगे, बाकी फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को ज्वाइन कर लें और वहां से भी आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनलाइज पे आप थीम, कलर, ठीक है, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सनलाइज में आपको टास्क बार भी मिलता है। टास्क बार मतलब यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन ओपन है, टाइम, डेट, वाईफाई, सारी चीजें दिख रहा है, इसे बोला जाता है टास्क बार। ठीक है, टास्क बार में यदि आपको कोई चेंजिंग वगैरह करना है तो आप टास्क बार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टास्क बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कौन कौन से आइकन जो है शो कराने हैं, जैसे सर्च वाला आइकन यहाँ पर आप देख सकते हैं शो हो रहा है, तो यहाँ पर सर्च वाला आइकन हमने ऑन कर रखा है। जिस तरीके से जो भी आप आइकन शो कराना चाहते हैं अपने टास्क बार में वो आप यहाँ पे करा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप टास्क बार को हाइड वगैरह करना चाहते हैं तो टास्क बार बिहेवियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हाइड वाले जो है ऑप्शन पे क्लिक करके टास्क बार को आप जो है हाइड वगैरह करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हाइड पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हाइड हो गया। ठीक है, और इसे आप यदि ऑफ किए रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बहुत से सेटिंग्स हैं, बस आपको बेसिक जो है सेटिंग के बारे में जानना चाहिए कि सेटिंग वगैरह में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आपसे कह देगा कि आप जो है कंप्यूटर के सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, आप उसे लिखिए, तो उसके सेटिंग विंडोज के सेटिंग में आपको सिस्टम, ब्लूटूथ डिवाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइज ऐप, अकाउंट, टाइम एंड लैंग्वेज, गेमिंग, एक्सेसिबिलिटीज, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, विंडोज अपडेट, ये सारे ऑप्शन जो है आपको विंडोज के सेटिंग वाले ऑप्शन में मिलता है। तो आई होप कि आप जो है विंडोज के सेटिंग के बारे में भी समझ गए होंगे। यदि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कर लेता है कि विंडोज के सेटिंग को बताइए कि कहाँ से वो मिलता है, तो विंडोज के सेटिंग को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट मेनू पे आना है। स्टार्ट मेनू पे आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जो है फिर से आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप सेटिंग जो है
सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप भी आपको देखने को मिल सकता है, वहां पर पूछ सकता है कि स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि सेटिंग को कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि कोर्टाना का उपयोग हम उसकी खोज। कोर्टाना क्या होता है आप लोग शायद जानते हो, जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्टाना को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने इस स्टार्ट मेन्यू पे आ जाना है, और स्टार्ट मेन्यू पर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑल ऐप से या फिर आपको ऐसे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर यदि आपको कोर्टाना नहीं देखने को मिलता है तो आपको सर्च पे क्लिक करना है कोर्टाना। ठीक है, इस तरीके से आपको कोर्टाना सर्च करना है और कोर्टाना को ओपन कर लेंगे। जिस तरीके से आपके फोन में आपने देखा होगा कि गूगल सर्च वाला ऑप्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं हेलो गूगल। ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को आप बोल करके गाना मंगवा लेते हैं, वीडियो मंगवा लेते हैं, ठीक है, जिसे गूगल असिस्टेंट बोला जाता है। उस तरीके से आपके विंडोज में एक कोर्टाना पाया जाता है और आप जो है कोर्टाना की मदद से अपने विंडोज में किसी भी चीज को आप वर्बली जो है बोल करके, जैसे मान लेते हैं हम कोर्टाना से बोलेंगे कि कोर्टाना यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो कोर्टाना ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साइन वगैरह करना होगा। फिलहाल हमने इसका यूज नहीं किया कभी, लेकिन आप जो है कोर्टाना का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को, फाइल फोल्डर को बोल करके वर्बली जो है आप बोल करके ओपन करा सकते हैं कोर्टाना की मदद से। ठीक है, तो कोर्टाना के बारे में भी आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आपसे जो है वाइवा जो लेगा आपसे पूछ भी सकता है कि कोर्टाना के बारे में बताइए कि कोर्टाना जो है विंडोज में क्यों दिया जाता है। तो आई होप कि आप जो है कोर्टाना के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि एप्लीकेशन की सेटिंग करना एवं उसे डेस्कटॉप पर पिनअप करना। तो इसे भी बहुत जरूरी होता है कि आप अपने किसी एप्लीकेशन को कैसे सेट कर सकते हैं और उसे डेस्कटॉप पर कैसे पिनअप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं।